वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड। आई एम एसजीएल एंड आप देख रहे हैं सेल एफएक्स एक्सप्रेस थ्रू डी करती है ना। तो पहले वीडियो में हमने टॉपिक किया था खत्म, वही से करेंगे स्टार्ट। सो पहले वीडियो में मैंने निकाला था सिर्फ रेंडर व्यू, मतलब किस तरह देखने को मिल रहा है हमारा सीन। सो अब इस वीडियो में निकालूंगा फाइनल रेंडर। सो मैं इस रेंडर टैब को कर दूंगा बंद, एंड बंद करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा पैनल एंड यहाँ पे जाऊंगा पर्सपेक्टिव एंड यहाँ पे जाऊंगा पर्सपेक्टिव कैमरा लाइक दिस। एंड कैमरा पे आने के बाद मैं इस प्लेन को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल ए टू एट्रीब्यूटर्स एडिटर लाइक दिस। एंड एट्रीब्यूटर्स एडिटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा AI स्टैंडर्ड सर्फेस 1 पे लाइक दिस। एंड इसका कलर थोड़ा सा हल्का यू नो डार्कर करूंगा। सो मैं इस तरफ ले जाऊंगा एंड इसको करूंगा हल्का डार्कर लाइक दिस। एंड मैं इस टैब को कर दूंगा बंद एंड यहाँ पे मैं एट्रीब्यूटर्स एडिटर को कर दूंगा बंद। एंड एट्रीब्यूटर्स एडिटर को बंद करने के बाद मैं यहाँ पे ऑन करूंगा हाइपर शेडर को। सो मैं हाइपर शेडर को ऑन करूंगा लाइक दिस। एंड ऑन करने के बाद एंड यहाँ पे मैं इस बॉडी पार्ट को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे फिर से करूंगा इस आइकॉन पे क्लिक एंड यहाँ पे फिर से मैं क्रिएट करूंगा AI स्टैंडर्ड सर्फेस। सो यहाँ पे प्रेस करूंगा टैब एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा AI स्टैंडर्ड सर्फेस, सर्च करूंगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे लूंगा मैं AI स्टैंडर्ड सर्फेस एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रॉपर्टी एडिटर पे एंड यहाँ पे कलर लूंगा मैं ब्लैक लाइक दिस एंड मे बी। एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा ऊपर में एंड यहाँ पे बेस कलर लूंगा ब्लैक लाइक दिस। एंड कलर ब्लैक लेने के बाद मैं यहाँ पे वेट को मैं कर दूंगा फुल लाइक दिस। एंड यहाँ पे डिफ्यूज लूंगा अराउंड 0.3 लाइक दिस। एंड यहाँ पे मेटालिक लूंगा अराउंड मैं 0.7 लाइक दिस। एंड यहाँ मैं नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे रफनेस लूंगा मैं अराउंड 0.4 लाइक दिस। एंड फोर लेने के बाद मैं यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक लूंगा अराउंड 0.2 लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। एंड एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे नेम दूंगा AI ब्लैक लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। एंड एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नेम चेंज हो गया। सो मैं यहाँ पे हाइपर शेडर को कर दूंगा ऑफ। एंड हाइपर शेडर को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे आउटलाइनर को लिखा लूंगा लाइक दिस। एंड मैं करूंगा इसको साइड में। एंड यहाँ पे मैं इन ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल AI ब्लैक। एंड मैं इनको भी करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे करूंगा शेप राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल AI ब्लैक। एंड मैं इनको भी करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल AI ब्लैक। एंड मैं इनको भी करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल AI ब्लैक लाइक दिस। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो घबराए नहीं, इसको हम कर लेंगे ठीक। सो मैं अब यहाँ पे बॉडी पार्ट को करूंगा सिलेक्ट, सिर्फ बॉडी पार्ट को करना है सिलेक्ट। एंड यहाँ पे करना है राइट क्लिक एंड यहाँ पे जाना है फेस मोड पर। एंड फेस मोड पर जाने के बाद हम इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट लाइक दिस। एंड मैं इस फेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं करूंगा ग्रो सिलेक्शन, सो शिफ्ट एरो लाइक दिस। एंड ग्रो सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक असाइन ए मटेरियल AI ब्लैक। सो ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 4 टू वायर फ्रेम मोड। एंड वायर फ्रेम मोड पर जाने के बाद मैं इस फेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड मैं इस साइड के फेसेस को भी करूंगा सिलेक्ट। सो इस तरह से कर लूंगा मैं सिलेक्ट लाइक दिस। यहाँ पे बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो मैं फिर से शिफ्ट पकड़ के इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट। एंड मैं इस साइड के फेसेस को भी करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड मैं इन फेसेस को भी करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड चारों तरफ के फेसेस को कर लेना है सिलेक्ट। एंड यहाँ पे हम करेंगे ग्रो सिलेक्शन, सो शिफ्ट एरो लाइक दिस। एंड ग्रो सिलेक्शन हम थोड़ा सा और करेंगे लाइक दिस यहाँ तक। एंड यहाँ पे मैं प्लस 5 करूंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से देखने को मिले। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कहाँ तक सिलेक्ट किया है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल AI ब्लैक लाइक दिस। एंड ब्लैक करने के बाद मैं इन फेसेस को करूंगा मैं सिलेक्ट इस तरह से लाइक दिस। एंड मैं यहाँ पे करूंगा ग्रो सिलेक्शन शिफ्ट एरो, सो ग्रो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से करूंगा मैं ग्रो सिलेक्शन लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एंड मैं एग्जिस्टिंग मटेरियल AI स्टैंडर्ड 4 लाइक दिस। एंड मैं फिर से इस साइड के फेसेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे फिर से मैं ग्रो सिलेक्शन करूंगा
सो मेक श्योर कर लेना है कि पीछे की तरफ भी सिलेक्ट हो। सो यहाँ पे मैं फिर से ग्रोथ सिलेक्शन करूंगा एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैंने कितना ग्रोथ सिलेक्शन किया है और मैंने कहाँ तक किया है सिलेक्शन। एंड मैं फिर से करूंगा राइट क्लिक एग्जिस्टिंग मटेरियल AI स्टैंडर्ड सरफेस 4 लाइक दिस। सो इसी तरह मैं दोनों पर लेग पार्ट को भी कर लूंगा। सो करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा लाइक दिस। अब इस आउटलाइनर को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करूंगा एट्रीब्यूटर्स एडिटर को एंड एट्रीब्यूटर्स एडिटर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आउटलाइनर को ओपन करूंगा फिर से एंड मैं यहाँ पे लाइट को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे सैम्पल लूंगा अराउंड 3 लाइक दिस एंड मैं इस लाइट को भी लूंगा एंड यहाँ पे सैम्पल लूंगा 3 लाइक दिस एंड मैं इस लाइट को भी करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे सैम्पल लूंगा 3 लाइक दिस एंड यहाँ पे मैश लाइट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे सैम्पल लूंगा मैं 3 लाइक दिस एंड मैं एट्रीब्यूटर्स एडिटर को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं आउटलाइनर को भी कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं जाऊंगा रेंडर सेटिंग पे। सो मैं इस आइकॉन पे करूंगा क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे आर्नल रेंडर इंजिन पे सेट एंड यहाँ पे करूंगा मैं PNG लाइक दिस एंड यहाँ पे चेक कर लेना है कैमरा 1 एंड यहाँ पे चेक करना है पीसेट 1K² एंड चेक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे रेंडर टैब पे एंड यहाँ पे कैमरा सीक्वेंस लूंगा मैं अराउंड 4 लाइक दिस एंड यहाँ पे बाकी सबको मैं करूंगा 3 पे लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा क्लोज एंड क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा पैनल एंड यहाँ पे पर्सपेक्टिव एंड कैमरा 1 एंड कैमरा 1 पे करने के बाद मैं इन स्फेयर को करूंगा थोड़ा साइड में लाइक दिस। सो ये मेरे लिए फिलहाल ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा फिर से आर्नोल्ड एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा रेंडर एंड रेंडर पे प्रेस करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। सो मैं यहाँ पे रेंडर होने दूंगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। रेंडर निकलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से और हम इस रेंडर को करेंगे सेव। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल एंड यहाँ पे करूंगा सेव इमेज एंड इस इमेज को मैं कर लूंगा सेव लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं .png में सेव करने वाला हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा सेव। सो ये मेरा रेंडर इमेज हो जाएगा सेव एंड मैं इस फाइल को भी कर लूंगा सेव लाइक दिस। सो इस सीरीज में था ये हमारा लास्ट वीडियो एंड इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ZFX Express 3D का दीवाना।